हाय बच्चे, आई एम हरीश मथारिया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा शेयर बेस पेमेंट। टॉपिक बड़ा ही आसान है, एक बार समझ लो बेटा क्या कहना है इस टॉपिक का। बेटा ये शेयर बेस पेमेंट जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन ट्रांजैक्शंस के साथ कंपनी ने कैसे डील करना है, इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है और इससे रिलेटेड रिपोर्टिंग क्या क्या है। सर रिपोर्टिंग कहाँ पे? इन द इनकम स्टेटमेंट यानी आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इन द बैलेंस शीट, ये दोनों जगह पे। कौन से ट्रांजेक्शन से रिलेटेड? शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ये हमें कौन गाइड करता है? ये हमें गाइड करता है इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102। बराबर है। अब जो जो कंपनीज को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लीकेबल है तो वो सारी कंपनीज शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन में अगर एंटर करती है तो वो कंपनी ने इंड एएस 102 फॉलो करना है। और ऐसी कंपनी जिनको इंड एएस अप्लीकेबल ही नहीं है, वो कंपनी अगर शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन में जाती है तो उन कंपनी ने वो पुराना वाला गाइडेंस नोट फॉलो करना है जो शेयर बेस्ड पेमेंट से रिलेटेड था। बराबर है। सो आपके सामने दो सिनारियो है, एक वो कंपनी जो इंड एएस के परव्यू में आती है, वो कंपनी अगर शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन में एंटर करती है तो विल फॉलो इंड एएस 102, और वो कंपनी जो इंड एएस के परव्यू में नहीं आती है, वो कंपनी अगर शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन में एंटर हो रही है तो वो कंपनी विल फॉलो आर ओल्ड गाइडेंस नोट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट। बरूबर है। तो हम लोग अभी वो गाइडेंस नोट पढ़ रहे हैं या इंड एएस 102 पढ़ रहे हैं? बेटा हम लोग अभी इंड एएस 102 पढ़ रहे हैं फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट। सर शेयर बेस्ड पेमेंट क्या है, अच्छे से ध्यान देना। मान लो कोई कंपनी किसी थर्ड पार्टी को शेयर्स इशू कर रही है, और अकाउंटिंग पार्टी, थर्ड पार्टी और काउंटर पार्टी, और बदले में कंपनी ने उससे गुड्स और सर्विसेज लिया, एंड कंपनी इशूइंग द शेयर्स और इट्स ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट टू दैट थर्ड पार्टी, तो क्या ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन में आ जाएगा क्या? यस। या ऐसा भी हो सकता है कंपनी किसी थर्ड पार्टी से गुड्स और सर्विसेज लेकर के उस थर्ड पार्टी को ये कंपनी क्या दे रही है? कैश। लेकिन ये कैश कितना देगी? इट डिपेंड्स और इट बेस्ड ऑन द इट डिपेंड्स और इट बेस्ड ऑन द प्राइज ऑफ शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। तो क्या ये भी शेयर बेस्ड पेमेंट में आ जाएगा क्या? यस। मतलब देखना ज़रा, सेकेंड वाले सिनारियों में कंपनी भले ही कैश दे रही है, सेकेंड वाले सिनारियों में भले ही कंपनी कैश दे रही है, बट फिर भी इसे हम लोग शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन में कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैश कितना दे रही है, इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द शेयर। और फर्स्ट वाले केस में तो कंपनी शेयर्स ही दे रही है, तो इसे हम लोग बोलेंगे इक्विटी सेटल्ड ट्रांजेक्शन फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट। और सेकेंड वाले केस को हम लोग बोलेंगे कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन। बराबर है। सो हमारे पास दो कैटेगरी है, इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड। एक और तीसरी कैटेगरी है, वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कैश अल्टरनेटिव। वहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द कंपनी और दैट थर्ड काउंटर पार्टी और दैट थर्ड पार्टी, ये हम लोग बाद में देखेंगे। बराबर है। इसी वीडियो में बाद में देखेंगे। सो बेसिकली ये वीडियो में हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, हम लोग इंड एएस 102 देख रहे हैं, अच्छे से ध्यान देना, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे बेटा, शेयर बेस्ड पेमेंट्स रिलेटेड एंटिटी ने क्या क्या डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। बरूबर है। अगर वो एंटिटी शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन में एंटर कर रही है तो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन का मीनिंग हमने ऑलरेडी देख लिया बेटा। अब यहाँ पे एंटिटी और यहाँ पे लिखा बेटा ग्रुप एंटिटी है ना, या फिर एंटिटी या उसी ग्रुप की कोई दूसरी एंटिटी। मान लो एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडायरी कंपनी है, इन दोनों का ग्रुप हो गया। अब या तो होल्डिंग कंपनी या तो सब्सिडायरी कंपनी है ना, इन दोनों में से कोई भी कंपनी ने अगर किसी थर्ड पार्टी से सर्विस लिया होगा, गुड्स और सर्विस लिया होगा, तो ये दोनों में से कोई एक कंपनी भी उस थर्ड पार्टी को शेयर्स इशू करेगी तो भी वो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। गौर से सुनना बेटा,
सर्विस कोई और ले रहा है, शेयर्स कोई और दे रहा है, लेकिन वो शेयर्स देने वाली कंपनी उसी ग्रुप की एंटिटी होनी चाहिए, बराबर है। तो आज के बाद इस स्टैंडर्ड में मैं जब भी बोलूँगा एंटिटी, तो समझ जाना एंटिटी और एंटिटी ऑफ द सेम ग्रुप, यानी अदर एंटिटी ऑफ द सेम ग्रुप, बराबर है। अब यहाँ पे शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन में होता क्या है, गुड्स और सर्विसेज हम लोग ले रहे हैं सप्लायर से, वो थर्ड पार्टी से बदले में पेमेंट कर रहे हैं शेयर्स में, तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट करना होता है, उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट। क्या मीनिंग है उसका, इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द एंटिटी और ग्रुप एंटिटी विद द थर्ड पार्टी दैट थर्ड पार्टी विल एंटाइटल टू रिसीव कैश मिलेगा या दूसरी एसेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। लेकिन फिर जब वही बात, कैश कितना मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन द और इट बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ दैट एंटिटी और ग्रुप एंटिटी। कुछ एग्जांपल भी देख लो बेटा इसके, शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट का एग्जांपल, अगर कंपनी एम्प्लॉय के साथ कर रही है तो क्या, और अदर पार्टी के साथ कर रही है तो क्या, अदर पार्टी यानी नॉन एम्प्लॉय। जैसे आपने सुना होगा कंपनी अपने एम्प्लॉय को सार देती है, सार स्टॉक अप्रिसिएशन राइट, कुछ कंडीशंस रखती है, हे एम्प्लॉय सुन ये कंडीशंस पूरी हो जाती है तो तुझे सार मिलेगा। अब सार क्या होता है देखो अच्छे से ध्यान देना बेटा, सार क्या होता है, मान लो कंपनी ने सार का स्कीम लेके आया, जिस दिन स्कीम लाया उस दिन शेयर का प्राइस था 100, सारी कंडीशंस पूरी हो गई, अब शेयर्स का प्राइस हो गया 120, तो यहाँ पे एम्प्लॉय को 20 रुपीज का कैश मिलेगा, है ना। स्टॉक अप्रिसिएशन, स्टॉक जितने से बढ़ता है उतना ही अमाउंट कंपनी शेयर होल्डर्स सॉरी एम्प्लॉयज़ को देने वाली है, तो यहाँ पे कंपनी ने एम्प्लॉय के साथ शेयर बेस पेमेंट अरेंजमेंट किया। हम लोग वही देख रहे हैं ना शेयर बेस पेमेंट अरेंजमेंट का एग्जांपल, तो उसका एक एग्जांपल है सार स्टॉक अप्रिसिएशन राइट। और दूसरा एक और एग्जांपल है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर्स ही दे रही है डायरेक्टली, अप्रिसिएशन नहीं दे रही है, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को डायरेक्टली क्या दे दिया, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को डायरेक्टली शेयर्स दे दिया यानी ओनरशिप दे दिया, या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है सेम ट्रांजैक्शन, थर्ड पार्टी को शेयर्स दे दिया, है ना। इन सारी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट, बरोबर। अब अच्छे से ध्यान देना, इस स्टैंडर्ड के स्कोप की बात कर रहा हूँ, दिस स्टैंडर्ड शैल अप्लाई टू द ऑल शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट वेदर और नॉट, ध्यान देना, वेदर और नॉट एंटिटी कैन आइडेंटिफाई सम और ऑल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड। मतलब एंटिटी, काफ़ी बार क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज मिला 1000 का और शेयर्स इशू किए 1200 के, गुड्स एंड सर्विसेज कितने का मिला बोलो मेरे साथ, 1000 का, यानी कंपनी रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ रुपीज 1000, बट कंपनी कितने शेयर्स दे रही है बेटा 1200 के, तो यहाँ पे जो ऊपर का 200 जो दिया है ना, ऊपर का 200 दैट इज फॉर अनआइडेंटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज। सो बस वही यहाँ पे लिखा है बेटा, वही यहाँ पे लिखा है, अच्छे से ध्यान देना, वही यहाँ पे लिखा है, मतलब वेदर और नॉट एंटिटी कैन आइडेंटिफाई सम और ऑल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड, तो ऊपर का जो 200 दिया है यानी कंपनी ने रिसीव किया 1000 का गुड्स सर्विसेज और शेयर्स इशू किए 1200 के, तो ये जो ऊपर के 200 है इज़ फॉर अनआइडेंटिफाइड, बोलो मेरे साथ, अनआइडेंटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो भी शेयर बेस्ड पेमेंट के यहाँ पे इंड एस के 102 के परव्यू में आ जाएगा। अच्छे से ध्यान देना, दो टाइप के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड, ऑलरेडी हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पे कैश कितना देंगे, बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द एंटिटीज शेयर। हियर द टर्म्स ऑफ द शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट में प्रोवाइड्स ट्रांजेक्शन मे बी सेटल्ड इन इक्विटी और कैश। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन इक्विटी में सेटल होगा या कैश में, उसे हम लोग कैश अल्टरनेटिव भी कह देते हैं, ट्रांजेक्शन विथ कैश अल्टरनेटिव, बरूबर है। ये हम लोग इसी वीडियो में पेज नंबर 5 पे देखेंगे। हाल फिलहाल में मेरे ज़िंदगी में बस दो ही टाइप के ट्रांजेक्शन है, एक वो जिसका पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी हो रहा है, एक वो जिसका पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश हो रहा है, कैश और अदर सेट। बट वो कैश कितने का रहेगा, कैश कितना रहेगा बेटा, वो कैश उतना रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ द एंटिटीज शेयर। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव स्कोप और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जैसे शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, उसके बाद क्या होता है शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट, उस अरेंजमेंट के थ्रू हम लोग शेयर्स इशू करेंगे, इतनी बात आपको समझ में आई रहेगी। डन, थोड़ा और आगे बढ़ते बेटा इसी में,
आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान देना, आगे दिया है डिटरमाइनिंग द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। फेयर वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा आसान है। फेयर वैल्यू ऑन द मेजरमेंट डेट, जिस दिन हमने वो स्कीम लॉन्च किया और ग्रांट किया था, है ना, उस दिन का फेयर वैल्यू, या आसान भाषा में मैं बोलूँगा फेयर वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट डेट विल बी द अमाउंट, यही अमाउंट पे हम लोग उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। या फिर फेयर वैल्यू अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है मेजरमेंट डेट पे किसका, शेयर्स का, तो हमें कोई तो वैल्यूएशन टेक्निक यूज़ करके, कोई तो वैल्यूएशन टेक्निक यूज़ करके हमें फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। दो तरीके बेटा, या तो फेयर वैल्यू ऑन द मेजरमेंट डेट ले लो, फेयर वैल्यू ऑन मेजरमेंट डेट नहीं पता है तो वैल्यूएशन टेक्निक यूज़ करके आपने फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना है, बराबर है। ये किसके लिए हमने किया बेटा, फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, जो हम लोग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं उसका फेयर वैल्यू निकालना है। सर क्या गुड्स और सर्विसेज का फेयर वैल्यू नहीं निकालेंगे क्या? नो बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज का फेयर वैल्यू सप्लायर हमें बताएगा, हम जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं उसका फेयर वैल्यू हमें पता रहेगा। किस डेट को? मेजरमेंट डेट को। मेजरमेंट डेट के दिन हम लोग फेयर वैल्यू निकालेंगे, नहीं निकल रहा है तो वैल्यूएशन टेक्निक यूज़ करके कैलकुलेट कर लेंगे। यस और नो? सर क्या हो जाएगा उससे? सर कौन सी फेयर वैल्यू लेना है, गुड्स और सर्विसेज की या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड की? बेटा गुड्स एंड सर्विसेज की फेयर वैल्यू लेना है, अगर वो नहीं मिल रही है तो सेकेंड चांस देना है, फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड, बरोबर है। बट इन ईदर केस आपको फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड तो पता ही करना पड़ेगा। यस और आगे ग्रैंड डेट का मतलब दिया है, डेट ऑन विच कंपनी एंड एम्प्लॉय अग्री टू द टर्म्स ऑफ द शेयर बेस पेमेंट प्लान, उस डेट को हम लोग बोलेंगे ग्रैंड डेट, जहाँ पे दोनों का म्यूचुअल अग्रीमेंट आ गया। कंपनी ने स्कीम लॉन्च किया, सारे एम्प्लॉयज को ऑडिटोरियम में बुलवा लिया, उस दिन स्कीम लॉन्च किया, उस डेट को हम लोग बोलेंगे ग्रैंड डेट। दोनों म्यूचुअली अग्री होना जरूरी है, बरूबर है, उस डेट को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रैंड डेट। या फिर ऐसा भी हो सकता है, कंपनी ने ध्यान देना बेटा, कंपनी ने स्कीम लॉन्च किया था 1 अप्रैल 2019 को, और वो जो कंपनी थी उस कंपनी के ऊपर लॉ की ऐसी रिस्ट्रिक्शन थी, जब कभी भी ऐसी कोई स्कीम कंपनी लॉन्च करेगी तो कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और शेयर होल्डर का। तो उस केस में अप्रूवल आया, आपको समझाने के लिए अप्रूवल आया 4 अप्रैल 2019 को, तो यहाँ पर ग्रैंड डेट क्या रहेगा? विच एवर इज लेटर, सो 4 अप्रैल 2019। और अगर इसे कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है तो ग्रैंड डेट क्या रहेगा? जिस दिन स्कीम लॉन्च किया वो रहेगा ग्रैंड डेट। थोड़ा एक बार ध्यान देना बेटा, कंपनी जिस दिन स्कीम लॉन्च करती है कि आपको शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट मिलेगा, मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लो कंपनी अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए 1 अप्रैल 2019 को स्कीम लॉन्च कर रही है, हे एम्प्लॉय सुन, अगर तू इस कंपनी में 3 साल तक रुक जाता है तो आफ्टर 3 ईयर यानी 1/4/19 से 31/3/20, 31/3/21 और 31/3/22, 31 मार्च 2022 तक अगर रुक जाता है तो तुझे कंपनी के शेयर्स खरीदने का राइट मिल जाएगा, वो भी सस्ते प्राइस में, कम रेट में, बरोबर है। तो ऐसा तेरे पास ऑप्शन है, ऐसा एम्प्लॉय के पास क्या है? ऑप्शन। और इस स्कीम को हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जिस दिन ये स्कीम लॉन्च किया था, एम्प्लॉय का और कंपनी का म्यूचुअली अग्रीमेंट हो गया था, म्यूचुअली डिसाइड हो गया था, कंपनी ने जो कंडीशन रखी थी एम्प्लॉय ने मान ली थी और सब कुछ डिसाइड हो गया, उस डेट को हम लोग बोलेंगे ग्रैंट डेट। और 3 साल का समय लगने वाला था एम्प्लॉय के हाथ में ये राइट आने के लिए, ऑप्शन आने के लिए, तो उस समय को बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड। लिखना बेटा, वेस्टिंग पीरियड। जिस दिन सारी कंडीशंस पूरी हो गई यानी एम्प्लॉय के हाथ में वो ऑप्शंस आ गए, एम्प्लॉय के हाथ में राइट आ गए शेयर्स खरीदने का, उस डेट को बोलेंगे वेस्टिंग डेट। और जिस दिन राइट आ गया, वहाँ से कंपनी ने बोला 6 महीने के अंदर अंदर आपने एक्सरसाइज करना है उस राइट को, यानी शेयर्स खरीदना है, अदरवाइज आपके शेयर्स लैप्स हो जाएंगे, आपके ऑप्शंस लैप्स हो जाएंगे, तो उस स्प्रेड को हम लोग बोलेंगे एक्सरसाइज स्प्रेड। जिस दिन उन्होंने एक्चुअल में एक्सरसाइज कर लिया उस डेट को बोलेंगे एक्सरसाइज डेट, बरोबर है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? चलो फिर से अपने स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं बेटा। सो ग्रैंड डेट क्या रहेगी बेटा? जैसे अप्रूवल के बारे में, जैसे मान लो जो कंपनी ये शेयर्स की स्कीम लॉन्च कर रही है, जो कंपनी ये शेयर्स इशू कर रही है, उस कंपनी को अगर अप्रूवल लेना ज़रूरी है तो अप्रूवल का डेट, और एम्प्लॉय को जिस दिन बोला वो डेट, विच एवर इज लेटर। देखो ध्यान देना, एग्जांपल ले रहा हूँ नीचे,
HM Limited grant 100 stock option to each of its 500 employee, and law governing the company requires approval of the board of director or shareholder on any such grant. That will be the grant date in the following case. What will be the grant date in the following cases? एक कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन दिया है, यानी हर एक एम्प्लॉय 100 शेयर्स खरीद सकता है। ऐसे कितने एम्प्लॉय थे बेटा? 500। और ये कंपनी ने जिस दिन कंपनी ने ये अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट किया, क्या वो ग्रैंड डेट रहेगा कि अप्रूवल का जो डेट रहेगा वो ग्रैंड डेट रहेगा, ये हमें पता नहीं है। बस ये नीचे के एग्जाम्पल्स में हमें पूछा है। पहला वाला एग्जाम्पल, कंपनी कम्युनिकेट्स अवार्ड्स टू द एम्प्लॉय। अवार्ड्स यानी स्कीम की बात चल रही है। फर्स्ट यानी कंपनी ने एम्प्लॉय को पहले ही बोल दिया, देन फॉलोड बाय द बीओडी और शेयर होल्डर्स अप्रूवल, एंड अवार्ड अप्रूव्ड विद द सेम टर्म्स इनिशियली टोल्ड टू द एम्प्लॉय। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी ने पहले ही एम्प्लॉय को बोल दिया और उसके बाद अप्रूवल लिया, तो कौन सा डेट रहेगा? डेट ऑफ अप्रूवल। फिर से बता रहा हूँ, डेट ऑफ अप्रूवल बेटा, ध्यान देना, डेट ऑफ कम्युनिकेशन और डेट ऑफ अप्रूवल, विच एवर इज लेटर, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। डेट ऑफ अप्रूवल, हाँ अप्रूवल यहाँ पे अमेंडेड भी हो सकता है। तीसरा वाला केस पहले पढ़ रहा हूँ, अवार्ड कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉय फर्स्ट, यानी एम्प्लॉय को पहले बोल दिया, हे एम्प्लॉय सुनो, आप सभी को सस्ते रेट पे शेयर्स मिलने वाले, ऐसी ऐसी कंपनी की स्कीम है, ऐसा कंपनी ने एम्प्लॉय को पहले कम्युनिकेट कर दिया। बट जब अप्रूवल की बारी आई तो अप्रूवल में कुछ चेंजेस करने पड़े टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द स्कीम में, बराबर है क्या? और उसके बाद में अगेन कम्युनिकेट किया, मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन दो बार हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले वाला जो कम्युनिकेट किया था उस स्कीम के अंदर कुछ चेंजेस आ गए जिस दिन अप्रूवल लिया उस दिन, बराबर है? जिस दिन अप्रूवल लिया उस दिन कुछ चेंजेस आ गए, इसीलिए चेंजेस करने के बाद फिर से कम्युनिकेट करना पड़ा। तो यहाँ पे अप्रूवल को हम लोग क्या बोलेंगे? अमेंडेड अप्रूवल एंड डेट ऑफ कम्युनिकेशन विच एवर इज लेटर, या फिर आसान भाषा में पहले कम्युनिकेट किया वो एक डेट थी, उसके बाद अप्रूवल लिया वो एक डेट थी, उसके बाद फिर से कम्युनिकेट किया वो एक डेट थी। ये तीनों डेट में विच एवर इज लेटर। और दूसरा वाला एग्जांपल, शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल पहले ले लिया उसके बाद कम्युनिकेट किया, अगेन विच एवर इज लेटर। ये बात समझ आई बेटा सभी को? सिंपल है। सो यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आपको क्लियर हो गया रहेगा। सो ग्रैंड डेट कैसे निकालना है बेटा? जिस दिन कंपनी ने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट किया, और अगर वो कंपनी को अप्रूवल लेना ज़रूरी होगा तो जिस दिन उसने अप्रूवल लिया, ये दो डेट आ गई, डेट ऑफ कम्युनिकेशन, डेट ऑफ अप्रूवल, विच एवर इज लेटर, आसान भाषा में। आगे शेयर बेस्ड पेमेंट का स्कोप हमने पिछले वाले पेज पे देख लिया ऑलरेडी। ये देखो बेटा, पिछले वाले पेज पे स्कोप देखा ऑलरेडी, अब स्कोप में कहाँ अप्लीकेबल है ये देखा, अब कहाँ नॉट अप्लीकेबल है। कंपनी शेयर बेस्ड पेमेंट अपने शेयर होल्डर्स को नहीं कर सकती है, मतलब कंपनी अगर शेयर बेस्ड पेमेंट कर रही है टू द शेयर होल्डर्स, इन दैट केस वो ट्रांजेक्शन के लिए इंड एएस 102 अप्लीकेबल नहीं रहेगा। हाँ, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंड एएस 102 के तहत उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। उसकी अकाउंटिंग के लिए दूसरा आपने जो भी रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड होगा या रिस्पेक्टिव गाइडलाइन होगा वो फॉलो करना है। इंड एएस 102 पेमेंट मेड टू द शेयर होल्डर्स इन द कैपेसिटी ऑफ द शेयर होल्डर बाय द कंपनी विल नॉट कवर्ड अंडर द शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन। बिजनेस कॉम्बिनेशन के तहत कंपनी ने शेयर्स में पेमेंट किया होगा तो उसके लिए इंड एएस 102 थ्रू है, वो भी यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। सर बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को अक्वायर कर रही है और परचेस कंसिडरेशन दे रही है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। जॉइंट वेंचर के केस में शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट किया होगा तो वो भी शेयर बेस्ड पेमेंट यहाँ पे इंड एएस 102 के लिए अप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए इंड एएस 111 है। या फिर कंपनी किसी दूसरे कंपनी का मेजर स्टेक अक्वायर कर रही है तो उस केस में भी वहाँ पे कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी का मेजर शेयर्स अक्वायर किया और बदले में जो पैसा देना था वो पैसा नहीं दिया, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स दिया, तो वो भी शेयर्स के ट्रांजेक्शन्स के लिए, वो भी शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन, शेयर्स के ट्रांजेक्शन के लिए इंड एएस 102 अप्लीकेबल नहीं है। आसान भाषा में कंपनी किसी दूसरे कंपनी में शेयर्स अक्वायर कर रही है और बदले में जो पेमेंट दे रही है वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स दे रही है, तो वो शेयर बेस्ड पेमेंट में नहीं आएगा।
जॉइंट वेंचर इंडिया एस 111 है, शेयर बेस पेमेंट में नहीं आएगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन अमलगमेशन मर्जर्स एक्विजिशन शेयर बेस पेमेंट में नहीं आएगा। एंड ट्रांजेक्शन विद द शेयर होल्डर इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, वो भी शेयर बेस पेमेंट में नहीं आएगा। बरोबर है। मेजरमेंट ऑफ द, देखो बेटा क्या दिया है, मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ द इक्विटी सेटल्ड, अच्छे से ध्यान देना, ये ऑलरेडी हमने देखा मेजरमेंट। नॉन एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूँ तो फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड, जो गुड्स एंड सर्विसेज का फेयर वैल्यू रहेगा उस वैल्यू पे मेजर करेंगे शेयर बेस पेमेंट ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग करने के लिए। या फिर अगर ये पता नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड, ये इसको सेकेंड चांस देना है, मतलब ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग करने के लिए आपको वैल्यू चाहिए और वो वैल्यू कौन सी रहेगी, वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड। बरूबर है। ये नहीं पता है तो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड, फर्स्ट चांस इसको देना है, सेकेंड इसको। और एम्प्लॉय के साथ शेयर बेस पेमेंट का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड, एम्प्लॉय से क्या मिलता है, सर्विस, कितने की सर्विस मिली कोई बोल सकता है क्या, ना, तो यहाँ पे ये नॉट पॉसिबल, इसीलिए एम्प्लॉय के केस में फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड ही रहेगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस पेमेंट, देखो ध्यान देना, एंड रिवर्सल ऑफ एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकग्नाइज इफ कंडीशन नॉट मेट। अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस पेमेंट कैसे करना है बता रहा हूँ। एंड रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस मतलब जो कंडीशन थी उस स्कीम की, वो कंडीशंस अगर पूरी नहीं होती है तो एक्सपेंस रिवर्स करना कि नहीं करना, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ शेयर बेस पेमेंट, मतलब शेयर बेस पेमेंट की कंडीशन डिसाइड करती है कि अकाउंटिंग कैसे होने वाला है। ध्यान देना अच्छे से, कंडीशन में दो टाइप है, या तो टाइम बेस्ड, हे एम्प्लॉय सुन, तो 3 साल तक इस कंपनी में रुक जाएगा तो तुझे शेयर्स मिल जाएंगे, बस यहाँ पे कंडीशन क्या है, बस समय निकल जाना चाहिए 3 साल का, कोई परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ एम्प्लॉय से, बस तू 3 साल तक रुक जा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे टाइम बेस। और दूसरा है बेटा परफॉर्मेंस बेस, दूसरा क्या है परफॉर्मेंस बेस, एम्प्लॉय को बोला अगर कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट इतना इतना हो गया तो तुझे शेयर्स मिल जाएंगे इस रेट पे, अगर कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इतना इतना हो गया तो तुझे शेयर्स मिल जाएंगे बेटा, है ना, तो ये हो गया परफॉर्मेंस बेस। अब ध्यान देना, सबसे पहला सवाल पूछो, कंडीशन में क्या ऐसा बोला हुआ है क्या कि कंपनी को ये चाहिए, है ना, अगर ऐसा कुछ दिया है, डज द कंडीशन डिटरमाइन वेदर द एंटिटी रिसीव सर्विसेज दैट एंटाइटल द काउंटर पार्टी टू SBP, अगर ऐसा कुछ बोला है कि कंपनी को एम्प्लॉय से या काउंटर पार्टी से ये चाहिए, ऐसा बोला है यस, तो हम लोग बोलेंगे बेटा, हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे वेस्टिंग कंडीशन है। और अगर ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कंपनी को क्या चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे नॉन वेस्टिंग कंडीशन है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मान लो कंपनी ने एक डायरेक्टर के साथ ऐसा अरेंजमेंट किया कि हे डायरेक्टर सुन, जब तू कंपनी छोड़ के जाएगा तब तू कंपनी को कंपीट करे ऐसा कोई बिजनेस नहीं करेगा। बराबर है। डायरेक्टर से क्या उम्मीद किया कि वो कुछ ना करे, तो वहाँ पे कंडीशन कौन सी है, नॉन वेस्टिंग कंडीशन। और अगर हम लोग सामने वाले से कुछ करने की उम्मीद कर रहे तो वहाँ पे कौन सी है, यस वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग में भी दो टाइप है, एक टाइम बेस और एक परफॉर्मेंस बेस, ऊपर देखा ना हमने टाइम बेस परफॉर्मेंस बेस। बराबर है। और सामने वाले से कुछ उम्मीद ही नहीं कर रहे तो क्या है, नॉन वेस्टिंग कंडीशन। जैसे डायरेक्टर को बोला तू कंपनी को कॉम्पीट करे ऐसा कोई बिजनेस मत करना, तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन आ गई, नॉन वेस्टिंग कंडीशन। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मार्केट वेस्टिंग कंडीशन, मतलब क्या बेटा, वो सारी कंडीशन जिसके ऊपर एक्सरसाइज प्राइस या वेस्टिंग कंडीशन या एक्सरसाइजेबिलिटी ऑफ द शेयर्स और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करती है, वो सारी कंडीशन किससे रिलेट कर रही है, मार्केट प्राइस से, तो हम लोग बोलेंगे मार्केट वेस्टिंग कंडीशन है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सी भी एक सेंटेंस में आसान भाषा में इतना ध्यान रखो, कंडीशन ऑन विच द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द शेयर्स वर डिपेंड रिलेट्स टू द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो मैं बोलूँगा मार्केट वेस्टिंग कंडीशन है, अदरवाइज नॉन मार्केट वेस्टिंग कंडीशन है। टाइमलाइन हमने ऑलरेडी देख लिया, जिस दिन स्कीम लॉन्च किया कंपनी ने बताया शेयर होल्डर एम्प्लॉयज को, उस डेट को बोलेंगे ग्रैंड डेट। वेस्टिंग पीरियड कंडीशंस पूरा होने के लिए जो समय लग रहा है, जिस दिन उनके हाथ में राइट आ गया वेस्टिंग डेट, और जिस दिन उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन उस डेट को मैं बोलूँगा एक्सरसाइज डेट। अकाउंटिंग गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हुआ तो
एक्सपेंस को डेबिट करो, असेट अगर मिला सामने वाले से तो असेट को डेबिट करो, क्रेडिट किसको करेंगे, इक्विटी को। और अगर कैश सेटल्ड है, सामने वाले को इक्विटी नहीं देना है कैश देना है, कैश कितना डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द इक्विटी, तो उस समय लायबिलिटी को क्रेडिट करूँगा। सो डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट इक्विटी, अगर मैं इक्विटी शेयर्स दे रहा हूँ, इक्विटी सेटल्ड स्कीम है तो डेबिट असेट अगर मुझे असेट मिल रही है, और क्रेडिट इक्विटी अगर शेयर्स दे रहा हूँ तो। डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट लायबिलिटी अगर मैं कैश देने वाला हूँ, कैश सेटल्ड शेयर बेस पेमेंट, बरोबर है क्या, मतलब जो मिल रहा है उसे डेबिट करो। गुड्स और सर्विसेज मिला तो एक्सपेंस को डेबिट करो, कोई असेट मिली तो असेट को डेबिट करो, और अगर शेयर्स दे रहा हूँ तो इक्विटी को क्रेडिट करो, और अगर मैं कैश दे रहा हूँ यानी देने वाला हूँ तो लायबिलिटी को क्रेडिट करो। और सर जिस दिन कैश दे दिया उस दिन फिर लायबिलिटी को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर देना, हाल फिलहाल में लायबिलिटी तो क्रेडिट करो देते समय, है ना। जिस दिन मैंने सामने वाले से गुड्स और सर्विसेज ले लिया और सामने वाले को मैंने बोला मैं आपको कैश देने वाला हूँ, कैश देने वाला हूँ, अभी तक दिया नहीं, देने वाला हूँ मतलब लायबिलिटी खड़ी कर दो, जिस दिन एक्चुअल में कैश दे दूंगा उस दिन लायबिलिटी को डेबिट टू कैश, बरोबर। ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सो एक सेंटेंस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड, सो एक्सपेंस और असेट अकाउंट डेबिट, और सामने वाले को शेयर्स दिया तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और सामने वाले को कैश देने वाला हो तो टू लायबिलिटी, बरोबर। नेक्स्ट पेज पे आना है बेटा, नेक्स्ट पेज पे हम लोग देख रहे हैं कुछ एग्जांपल्स। देखो तो कौन कौन से एग्जांपल्स है, इंपैक्ट ऑफ वेरियस कंडीशंस, अकाउंटिंग के ऊपर वेरियस कंडीशन का इंपैक्ट क्या होगा। अवार्ड विथ मार्केट कंडीशन ओनली, ध्यान देना, HM लिमिटेड ग्रांटेड शेयर्स ऑप्शन टू अ डायरेक्टर ऑन अ कंडीशन, क्या लिखा है बेटा, ऑन अ कंडीशन दैट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल इंक्रीज बाय एटलीस्ट 15% पर एनम ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। मतलब डायरेक्टर को हमने बोला कि हे डायरेक्टर सुन, अगर इस कंपनी के शेयर की प्राइस आने वाले 5 साल तक हर साल 15% इंक्रीज होती है तो तुझे शेयर्स खरीदने का ऑप्शन मिलेगा, तेरे पास राइट आ जाएगा एट योर ऑप्शन, बरोबर। एट द एंड ऑफ 5 ईयर द टारगेट वॉज नॉट मेट, अरे रे 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 रे, ये था मार्केट कंडीशन वाला एग्जाम्पल। यहाँ पे शेयर्स की मार्केट प्राइस की बात चल रही थी इसलिए मार्केट कंडीशन है। तो यहाँ पे एंटिटी कैन नॉट रिवर्स द एक्सपेंसेस, क्योंकि देखो कंडीशन पूरा नहीं हुआ, तो आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर अब अकाउंटिंग रिवर्स कर, दोनों बेटा रिवर्स नहीं कर सकते, जो एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिए वो रिवर्स नहीं कर सकते, बरोबर है। हाँ, और मत रिकॉग्नाइज करो, लेकिन जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिए उसे रिवर्स नहीं कर सकते, एंड ऑल्सो कंपनी ग्रैंड डेट को भी रिवाइज नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि सिंस कंडीशन इज ऑन मार्केट बेस, कंडीशन इज मार्केट बेस। दूसरा, अवार्ड विथ नॉन वेस्टिंग कंडीशन, नॉन वेस्टिंग मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कोई उम्मीद नहीं कर रहे सामने वाले से बेटा, जिसको हम लोग काउंटर पार्टी को शेयर्स देने का वादा कर रहे हैं। जैसे कंपनी ग्रैंड शेयर ऑप्शन टू द डायरेक्टर ऑन अ कंडीशन दैट ही डज नॉट कम्पीट विद द कंपनी फॉर 3 ईयर, बरोबर है। और जिस दिन कंपनी ने ऑप्शन दिया था उस दिन फेयर वैल्यू था इस ऑप्शन का, शेयर्स का 1,50,000, बरोबर है। ये नॉन कम्पीट अवार्ड है, मतलब यहाँ पे सामने वाले ने कुछ नहीं करना है, मतलब यहाँ पे सामने वाले से कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हम लोग, बस वो कुछ नहीं करेगा, कम्पीट नहीं करेगा, बाकी तो हमारे लिए कुछ कर मत कर, बस हमारे लिए कम्पीट मत कर, बरोबर है। तो ये नॉन वेस्टिंग कंडीशन है, तो यहाँ पे भी रिवर्स नहीं होगा बेटा वो एक्सपेंस, अगर उसने कंडीशन को ब्रेक भी कर दिया तो भी हम लोग एक्सपेंस को रिवर्स नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे भी ग्रैंड डेट को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और नॉन कम्पीट अवार्ड है इज अ नॉन वेस्टिंग कंडीशन सिंस एंटिटी नॉट रिसीविंग द सर्विसेज, डायरेक्टर को हमने क्या बोला, तू हमें कम्पीट मत करना, हम लोग डायरेक्टर से कोई सर्विस नहीं ले रहे, उसको हमने क्या बोला, तू हमारे लिए बस कम्पीट मत करना। सो एंटिटी नॉट रिसीविंग एनी सर्विसेज, इसीलिए नॉन कम्पीट और नॉन वेस्टिंग कंडीशन वाला अवार्ड है। ऑन ग्रैंड डेट एंटिटी ने इमीडिएटली एक्सपेंस रिकोगनाइज कर लेना है 1,50,000 का एज एन एक्सपेंस, और फ्यूचर में अगर वो कंडीशन ब्रेक भी करता है, कौन, डायरेक्टर, तब भी हम लोग एक्सपेंस को रिवर्स नहीं कर सकते, बरोबर है। रीजन, नॉन वेस्टिंग कंडीशन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो नॉन वेस्टिंग कंडीशन है, आप एक्सपेंस रिवर्स नहीं कर सकते हो, मार्केट कंडीशन है, आप एक्सपेंस रिवर्स नहीं कर सकते हो। तीसरा एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कैश सेटल्ड अवार्ड, यहाँ पे हम लोग सामने वाले पार्टी को, काउंटर पार्टी को शेयर्स नहीं दे रहे, क्या दे रहे बेटा, कैश में पेमेंट कर रहे, अच्छे से ध्यान देना। कैश सेटल्ड अवार्ड में क्या हो रहा है, देखो HM लिमिटेड ग्रांट्स 100 कैश सेटल्ड अवार्ड्स टू इच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉय, यानी हर एक एम्प्लॉय को
100 100 शेयर्स के उतनी कैश देने का वादा कर रहे हैं हम लोग। हर एक एम्प्लॉय को 100 100 शेयर्स के उतना कैश देने का वादा कर रहे हैं ऑन अ कंडीशन दैट एम्प्लॉय रिमेंस फॉर 3 ईयर्स कैश पेएबल एट द एंड ऑफ 3 ईयर। तब तक लाइबिलिटी खड़ी करेंगे हर 3 साल तक, हर साल के एंडिंग में, और तीसरे साल के एंडिंग में सारे लाइबिलिटी का मैं पेमेंट कर दूंगा। ईयर वन 500 में से 35 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए और ऐसा लग रहा है कि 60 और छोड़ के जाएंगे। सो 35 और 60 कितना हुआ बेटा, बोलो बोलो फटाफट से। 35 छोड़ के चले गए, 60 और छोड़ के जाएंगे, यानी 95 500 में से 95 जाने वाले हैं, तो बचे कितने हैं 405। हर एक को कितने शेयर्स का वादा किया था, 100 शेयर्स के कैश के उतने का, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट ईयर के एंडिंग में शेयर का प्राइस कितना था 40। सो 405 इंटू 100, ध्यान देना काम की चीज़ है, इंटू 40। लेकिन ये स्कीम की लाइफ थी 3 साल बेटा, करना ज़रा 405 इंटू 100 इंटू 40, ये जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट पूरे 3 साल के लिए है और ये है पहला साल। इंटू मैंने किया 1/3, समझा, इंटू 1/3 स्कीम का लाइफ है 3 साल और अभी चल रहा है पहला साल, तो जो भी खर्चा आएगा बेटा यहाँ पे 405 इंटू 100 इंटू 40 ये आएगा टोटल एक्सपेंस ऑफ द स्कीम डिवाइडेड बाय 3 साल इंटू ये पहला साल था, तो आपका अमाउंट आया 5,40,000 और ये पहला ही साल है, इसके पहले कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। सो पहले साल में कितना खर्चा रिकॉग्नाइज करना है 5,40,000 एंट्री रहेगा एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए कंपेंसेट कर रहा हूँ ना, टू लाइबिलिटी अकाउंट 5,40,000 5,40,000। अभी पेमेंट नहीं किया, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लाइबिलिटी खड़ी कर रहा हूँ, कैश सेटल्ड है, बराबर है। दूसरे साल में कितने एम्प्लॉय छोड़ के चले गए 40 एंड कंपनी एस्टिमेट फर्दर 25 विल लीव। एक्चुअल में कितने छोड़ के चले गए 40 और कितने छोड़ के जाएंगे 25। पिछले साल में कितने एक्चुअल में छोड़ के गए थे, ये एस्टिमेट को गोली मारो, पिछले साल एक्चुअल छोड़ के गए थे 35, इस बार एक्चुअल में छोड़ के चले गए 40, 40 प्लस 35 75 चले गए और ऐसा लग रहा है 25 और जाएंगे, ऐसा लग रहा है 25 और जाएंगे, यानी टोटल 100 कम कर दो बेटा 500 में से, तो बचे कितने 500 में से 100 गए 400 इंटू हर एक एम्प्लॉय को 100 100 शेयर्स की उतनी कैश देने का वादा है और इस समय शेयर का प्राइस था 50, इसलिए 50 और ये सेकेंड ईयर था इसीलिए इंटू 2/3। तो बोलो बेटा टोटल ये एक्सपेंस आ गया इतना, ये टोटल एक्सपेंस है बट ये 3 साल का है इसलिए डिवाइड बाय 3, बट अभी चल रहा है दूसरा साल इंटू 2, मतलब इस स्कीम में 2 साल तक टोटल क्यूमुलेटिव कितना खर्चा है 13,33,334। इसमें से पिछले साल कितना रिकॉग्नाइज कर दिया ऑलरेडी 5,40,000, सो इस साल कितना रिकॉग्नाइज होगा 793,333, सेम एंट्री जो पिछले साल पास किया था। थर्ड ईयर में 22 छोड़ के चले गए, ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में कितने छोड़ के गए थे 35, सेकेंड ईयर में एक्चुअल में 40 प्लस थर्ड ईयर में एक्चुअल में 22, टोटल कितना आया बेटा 403। हर एक को 100 100 शेयर्स, इस समय प्राइस था 52 और ये थर्ड ईयर है इसलिए इंटू 3/ टोटल स्कीम की लाइफ भी 3, सो इंटू 1/3 इंटू 2/3 इंटू 3/3। बोलो टोटल थर्ड ईयर तक का क्यूमुलेटिव खर्चा कितना आएगा इतना, इसमें से ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज कर दिया इतना, तो थर्ड ईयर का एक्सपेंस का ये एंट्री रहेगा और एक्चुअल में जब हम लोग पेमेंट करेंगे तब एंट्री करेंगे। देखो लायबिलिटी को आज तक क्या करते आए थे, क्रेडिट, एक्चुअल पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी को क्या करेंगे, डेबिट टू कैश, बरोबर है। ये आपका था कैश सेटल्ड स्कीम, क्या किया हमने, स्कीम का जो कुछ एक्सपेंसेस था वो एक्सपेंसेस 3 साल के लिए था, तो पहले साल के लिए कितना, दूसरे साल के लिए कितना और तीसरे साल के लिए कितना, ये निकाला। हर साल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करके लायबिलिटी खड़ा किया, हर साल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करके लायबिलिटी खड़ा किया, हर साल एक्सपेंस को डेबिट करके लायबिलिटी खड़ा किया और लायबिलिटी का पेमेंट करते समय लायबिलिटी को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दिया, सिंपल था। उसके बाद बेटा लास्ट सिनेरियो चल रहा है, शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स विद कैश अल्टरनेटिव। यहाँ पे एंटिटी के पास चॉइस रहेगा या तो थर्ड पार्टी के पास चॉइस रहेगा कि उसने क्या करना है, बराबर है, प्लीज़ ध्यान देना बेटा अच्छे से। अगर थर्ड पार्टी के पास चॉइस है, ही हैज़ राइट टू चूज़ कि उसे कैश चाहिए
के इक्विटी चाहिए। देन ट्रीट द अवार्ड एज अ कंपाउंड अवार्ड, अच्छे से ध्यान देना बेटा। देन हमें क्या करना है बेटा, स्प्लिट करना है उस अवार्ड को। थर्ड पार्टी जितना कैश डिमांड कर रही है उतने कंपोनेंट को हम लोग बोलेंगे लायबिलिटी, और थर्ड पार्टी जितने के लिए इक्विटी शेयर्स डिमांड कर रही है उतने कंपोनेंट को बोलेंगे इक्विटी। और अगर ये हमारे हाथ में है, इन दैट केस अगर एंटिटी के ऊपर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है टू सेटल द कैश, तो उतने कंपोनेंट को हम लोग कैश सेटल बोल के लायबिलिटी दिखा देंगे, और बैलेंस कंपोनेंट को हम लोग दिखा देंगे इक्विटी। बराबर है, इसके ऊपर सिंपल थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। देन आगे और बढ़ रहा हो बेटा, मॉडिफिकेशन। बराबर है, अब देखो मॉडिफिकेशन मतलब यहाँ पे कुछ तो चेंज हो।